पर्यटन संस्कृति व इको टूरिज्म के विकास के दृष्टिगत जनवरी 2022 में प्रस्तावित गोरखपुर महोत्सव के आयोजन के संबंध में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। बैठक में गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में मंडलायुक्त ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन चंपा देवी पार्क, नुमाइश ग्राउंड एवं रामगढ़ ताल में कराने की योजना है। गोरखपुर महोत्सव में जनपद की लोक कलाओं एवं अन्य विधाओं के कलाकारों को एक मंच देने का भी कार्य किया जाएगा। गोरखपुर महोत्सव में पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, साथ ही माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर बच्चों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम तथा अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही शिल्प मेला एवं बॉलीवुड के कलाकारों के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके अलावा अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों तथा साहित्य कला अध्ययन, पत्रकारिता, लेखन, लोक कला एवं सामाजिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी सम्मानित किए जाने की योजना है। इसके अलावा मनोरंजन के भरपूर साधन उपलब्ध रहेंगे। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, आरटीओ अनीदा सिंह, एरियम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, प्रोफेसर अजय शुक्ला सहित संबंधित अधिकारी और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। उस बैठक में सर जो है अध्यक्ष आयुक्त महोत्सव समिति की तरफ से, उपाध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय की तरफ से और हमारे जिलाधिकारियों की तरफ से आप सभी का स्वागत है सर। जो हम टूरिज्म जिला प्रशासन मिलकर के 2018 से रेगुलर इसको चला रहे हैं सर जो, और करीबी जो है सर प्रमोशन को आगे बढ़ाया जाए सर जो, और अभी हम लोग कोविड में काफी उभरे हैं सर जो, तो बिंदु हम बैठक शुरू करें सर। हमारे सर आयोजन समिति में जो ट्रेडिशनल बना हुआ है सर, और कल्चर कमेटी में हमारे बैंकर्स हैं सर जो है, कल्चर डिपार्टमेंट के सर जो हमारे मिस्टर राकेश श्रीवास्तव जी स्थानीय हैं, सर सर मुंशी हैं, और प्रोटोकॉल अधिकारी पर नामित किया जाता है सर, जो बिंदु आगे हमारे आएंगे सर जो, और कल्चर डिपार्टमेंट से भी मांग करते हैं, उनके यहाँ से कुछ मिलते हैं, बाकी स्पॉन्सरशिप हम लोकल बैंकर्स हैं सर, उनसे इकट्ठा करते हैं सर जो। मुझे गोरखपुर महोत्सव का ट्रेडिशनल डेट फिक्स किया गया है 11, 12, 13 जनवरी सर जो, वो इसलिए सर कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, और ये प्रारंभ में ये तय हुआ था कि मकर संक्रांति को जोड़ के इसको करेंगे सर जो है। धन जुटाए जाने के दृष्टिगत सर जो है तो जैसा टूरिज्म डिपार्टमेंट में कल्चर डिपार्टमेंट में जो दिया जाता है ठीक है, उसके अलावा और किसी विभाग से आप ले सकते हैं ठीक है, जैसा आप ODOP में ठीक, और वो एक बार आप प्लान करते हैं ठीक, और जहाँ पे भी प्रोग्राम होगा उस पीरियड में एक बार चंपा देवी पार्क का भी आप चेक कर लें कि जो भी डेट देंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल रैली की टाइम भी है, उस समय चंपा देवी पार्क वो 4 या 5 दिन के लिए जो भी आप ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक करवा करके रख दीजिए।